समस्तंकु शुभ दिन। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती। पूर्व क्लास रे तुम्हें समस्ते इनसर्ट मेनू एवं फॉर्मेट मेनू रो ऑप्शन गुड़ी को विषय रे सिखिथिलो। आसो वर्तमान पूर्व क्लास रे आमे कौन सिखिथिले ताहार अभ्यास करिबा। तुम्हारा अभ्यास आरंभ करिबा पूर्वरु आसो किछि प्रश्न देखिबा। कौन तुम्हें कही परिबो आमे सेक्शन ऑप्शन रो व्यवहार काहे की करू। सेक्शन ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें तुम्हारा पाराग्राफ किंबा लाइन को गोटिए सेक्शन को भाग करी परिबो माने ताहाकु गोटिए टेक्स्ट बॉक्स रे पाई परिबो। सही परी तुमको प्रथमे लाइन किंबा पाराग्राफ को सिलेक्ट करिबा को हेबो। जदि तुम्हें सेक्शन ऑप्शन सिलेक्ट न करी एहारो व्यवहार करो तेबे तुम्हें गोटिए नुआ बॉक्स पाई परिबो जेउथिरे तुम्हें टाइप मध्य करी परिबो। कौन तुम्हें जानिछो फुट नॉट एवं एंड नॉट द्वारा कौन होई थाए। फुट नॉट ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें राइटर रो पेज रो तले गोटिए नॉट इंसर्ट करी परिबो। जदि तुमको कौनसी गुरुत्वपूर्ण लाइन किंबा कौनसी शब्द को मने रखिबा को हेबो तेबे तुम्हें ताकु फुट नॉट रे मध्य लगाई परिबो एवं एहाकु तुम्हें सीधा सड़ख तुम्हारा डॉक्यूमेंट रे लगाई परिबो। तुम्हें एही फुट नॉट गुड़ी को प्रत्येक पेज रे देखी परिबो किंतु जदि तुम्हें एंड नॉट रो व्यवहार करी सही परी समान करिबो तेबे एही एंड नॉट तुम्हारा डॉक्यूमेंट रो सबुठारु शेष पेज रे आसिबो। तुम्हें एंड नॉट को मध्य सीधा सड़ख तुम्हारा डॉक्यूमेंट रे लगाई परिबो। वर्तमान तुम्हें समस्ते तुम्हारा कंप्यूटर को ऑन कर एवं तापर तुमको आगर कुहा जाइथिबा भले राइटर पेज को ओपन कर। आसो देखिबा आजिरो क्लास रे तुम्हें कौन सिखिबो। आजिरो क्लास रे तुम्हें टेबल एवं टूल मेनू रो ऑप्शन गुड़ी को विषय रे सिखिबो जेमिति की टेबल कौन गोटिए टेबल को केमिति इंसर्ट करा जाए। रो एवं कॉलम गुड़ी को कौन रो एवं कॉलम को केमिति इंसर्ट करा जाए। गोटिए टेबल को केमिति डिलीट करा जाए। मर्ज सेल कौन स्प्लिट सेल कौन आमे ऑटो फॉर्मेट को काहीं की व्यवहार करू। ऑटो फिट रो व्यवहार काहीं की करा जाए। आमे कन्वर्ट रो व्यवहार काहीं की करी थाऊ। सॉर्ट ऑप्शन रो व्यवहार द्वारा कौन होई थाए। आमे फॉर्मूला रो व्यवहार काहीं की करी थाऊ। नंबर फॉर्मेट द्वारा कौन होई थाए। प्रॉपर्टीज द्वारा कौन होई थाए। आसो वर्तमान आजिरो क्लास आरंभ करिबा। कौन तुम्हें समस्ते जानिछो टेबल कौन अटे एवं आमे एहारो व्यवहार काहीं की करी थाऊ। टेबल गुड़ी को रो एवं कॉलम द्वारा तैयारी होई थाए। एहा ठीक तुम्हारा गणित खाता भली देखा जाई थाए एवं एहा भीतरे बहुत गुड़िए बॉक्स रही थाए जहाकु सेल कुहा जाए। एही सेल गुड़ी का मिसी रो एवं कॉलम तैयारी करी थाए। टेबल रो व्यवहार तुम्हें बहुत प्रकार काम पाई करी परिबो जेमिति की जदि तुम्हें ऑफिस काम पाई लिस्ट तैयारी करिबा पाई चाहिबो एवं रिपोर्ट कार्ड तैयारी करिबा पाई कैलेंडर छात्र मानकर मार्क एवं सेमानकर अन्य सूचना रखिबा इत्यादि तैयारी करिबा पाई टेबल रो व्यवहार करा जाए। एबे तुम मानक मध्यरु केही भाबुथिबो कि रो एवं कॉलम कौन अटे। तुमको आगरे दिया दिथिबा चित्र को देखो। एठारे
देखा जाय अछि कि होराइजोंटल लाइन रे सेल गुड़ी को मिसी गोटे रो तैयारी होई छि जेते बेले कि वर्टिकल लाइन रे सेल गुड़ी को मिसी कॉलम तैयारी होई छि। दिया जायथिबा चित्र रे जेउ सेल गुड़ी को बामरु डाहाण पाख को जाय छि ताकु रो कुआ जाय एवं एही गुड़ी को होराइजोंटल अटे एवं जेम गुड़ी को ऊपर तल को जाय छि ताकु कॉलम कुआ जाय जाकि वर्टिकल अटे। आसो वर्तमान आमे टेबल को केमिति इनसर्ट करा जाय सिखिबा। तुमे टेबल को तीनोटी उपाय रे इनसर्ट करि परिबो। प्रथमटी हेउछि तुमे इनसर्ट मेनू रो टेबल ऑप्शन व्यवहार करी। द्वितीयटी टेबल मेनू रो इनसर्ट ऑप्शन को व्यवहार करी एवं तृतीयटी पई तुमे शॉर्टकट कमांड रो मध्य व्यवहार करि परिबो जहाकि कंट्रोल प्लस F12 बटन अटे। आसो वर्तमान एही वीडियो को देखिबा एवं एही तीनोटी ऑप्शन रो व्यवहार करी केमिति टेबल को इनसर्ट करा जाय जानिबा। वर्तमान एही वीडियो को देखी टेबल को किपर इनसर्ट करा जाय ता सिखिबा। एथि पई प्रथमे तुमर कर्सर किंबा पॉइंटर को इनसर्ट मेनू को नेकी जाओ एवं गोटे थर क्लिक कर। या परे एठारे टेबल ऑप्शन को जाय गोटे थर क्लिक कर। तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो। एही बॉक्स रे तुमे देखि परिबो एठारे अप एरो की को प्रेस करी तुमे कॉलम रो वैल्यू सिलेक्ट करी परिबो एवं रो रो वैल्यू मध्ये सिलेक्ट करी परिबो। एबे एठारे पांचोटी रो एवं पांचोटी कॉलम को सिलेक्ट करो तापरे ओके बटन को प्रेस करो। तुमे देखि परिबो तुम्हारा फाइल ले गोटिए टेबल इनसर्ट होई गई छि। एबे या को अंडू करो जे भली वीडियो रे देखा जाय छि। या परे एठारे स्टैंडर्ड टूल बार थिबा टेबल ऑप्शन पाखरे ड्रॉप डाउन आइकन को गोटे थर क्लिक कर। एठार तुमे मध्य केतोटी रो एवं केतोटी कॉलम चाहू छ एठार सिलेक्ट करि परिबो जे भली वीडियो रे देखा जाय छि। ए भली भाबरे पांचोटी रो पांचोटी कॉलम को सिलेक्ट कर एवं तुमे देखि परिबो तुम्हारा फाइल ले से भली गोटे टेबल मध्य इनसर्ट हो जाऊ छि। एबे या को मध्य अंडू कर। एबे तुमे एठारे थिबा टेबल उपरे क्लिक करी मध्य तुमे टेबल इनसर्ट करी परिबो। जदि या उपरे क्लिक करू छ तुम अगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठारे तुमे रो एवं कॉलम सिलेक्ट करी परिबो केतोटी रो एवं केतोटी कॉलम चाहू छ। एठारे पांचोटी रो एवं पांचोटी कॉलम को सिलेक्ट करो। एठारे तुमे सिलेक्ट करि परिबो तापरे ओके बटन को प्रेस कर। तुमे देखि परिबो एठारे टेबल इनसर्ट होई जाउछि। एबे या को अंडू कर। एबे अन्य माध्यम जाकि तुम्हारा कर्सर को टेबल ऑप्शन को नहीं गोटे थर क्लिक कर तापरे इनसर्ट ऑप्शन को जाओ तापरे टेबल ऊपर क्लिक कर। तुम आगे पूर्व पर गोटे बॉक्स ओपन हेब एठार तुम्हें टेबल नाम एठार दे परिबो एवं कॉलम एवं रो एठार सिलेक्ट करि परिबो। अप एरो की एवं डाउन एरो की को प्रेस करी जे भली वीडियो रे देखा जाय छि तापरे एठारे ओके ऊपर क्लिक कर। या द्वारा तुम्हें देखि परिबो तुम्हारा फाइल ले टेबल इनसर्ट होई जाय छि। एही परि भाबरे तुमे टेबल को विभिन्न माध्यम रे तुम्हारा फाइल ले इनसर्ट करि परिबो। वर्तमान तुमको आगरे देखा जायथिबा भली गोटिए टेबल तयारी कर। गोटिए सेल रु आ गोटिए सेल को जीवा पई तुमे बाम डाहाण ऊपर एवं तल एरो की रो व्यवहार करि परिबो किंबा तुमे सही सेल रे तुम्हारा माउस किंबा टचपैड रो पॉइंटर रो बाम पाख बटन को क्लिक करी पाई परिबो। तेबे
आगरे दिया जाय थिबा टेबल को तुमे माने समस्ते तयारी करि परिबो कि नाही कोन तुमे कहि परिबो तुमे गटिए रो को केमिति इंसर्ट करिबो तुमे गटिए रो को दुई प्रकार रे इंसर्ट करि परिबो ता हेउची टेबल टूल बार रो व्यवहार करी किंबा टेबल मेनू रो इंसर्ट ऑप्शन रो व्यवहार करी आसो वर्तमान एही वीडियो को देखिबा एवं एही उभय उपाय विषय रे सिखिबा वर्तमान तुम्हारे टेबल रे गोटे रो को इंसर्ट करिबा पई प्रथम माध्यम तुम्हारा कर्सर को नै टेबल ऊपर क्लिक करो तुमे देखि परिबो एठारे टेबल बॉक्स आसुचि या को तुमे एठी को आनी परिबो एवं एठारे रो ऑप्शन को जाई तुमे एठारे क्लिक करले तुम्हारा कर्सर जेउठारे अछि तार परे गोटिए रो इंसर्ट होई जिवो जे भले तुमे वीडियो रे देखि पारुछ या को क्लोज करो या परे तुम्हारा कर्सर को टेबल ऑप्शन को नियो एवं इंसर्ट ऑप्शन को जाओ ता परे रो ऑप्शन ऊपर क्लिक करो एठारे कोटे बॉक्स ओपन हेबो एठार तुम्हें सिलेक्ट करि परिबो केतोटी नंबर रो सेल केतोटी नंबर रो चाहुचो एवं एठारे बिफोर को सिलेक्ट करो ता परे ओके ऊपर क्लिक करो तुम्हें देखि परिबो तुम्हारा कर्सर जेउठार अछि ता पूर्वरु गोटिए रो इंसर्ट होई जिवो एही परि भाब रे तुमे रो को इंसर्ट करि परिबो कोन तुमे कहि परिबो गोटिए कॉलम को तुमे केमिति इंसर्ट करिबो तुमे कॉलम को मध्य दुईटी माध्यम रे इंसर्ट करि परिबो एबे जाओ एवं गोटिए कॉलम इंसर्ट करो जदी तुमकु किछि असुविधा हेउची तेबे एही वीडियो को देखो वर्तमान कॉलम इंसर्ट करिबा पई प्रथमे तुमे टेबल ऊपर क्लिक करो एठारे टेबल बॉक्स आसी जिवो एठारे कॉलम ऑप्शन को जाई गोटे थरो क्लिक करो जेमबले वीडियो रे देखा जाई छी एहा द्वारा तुम्हारा कर्सर जेउठार अछि तार परे गोटे कॉलम इंसर्ट होई जिवो जेमबले तुमे वीडियो रे देखि पारुछ एवं एठारे तुमे टाइप मध्ये करि परिबो जेमबले एठारे वीडियो रे एठारे टाइटल टाइप करा जाई छी एबले बारे तुमे एठा टाइप कई लेखि परिबो मोबाइल नंबर सेई परी अन्य माध्यम जहा कि तुम्हारा कर्सर को टेबल ऑप्शन को नै गोटे थरो क्लिक करो या परे इंसर्ट ऑप्शन को जाओ ता परे इठारे कॉलम ऑप्शन को क्लिक करो तुम आगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठारे केतोटी नंबर चाहुचो कॉलम तुम इठारे सिलेक्ट करि परिबो अप एरो की एवं डाउन एरो की को व्यवहार करी एबे इठारे आफ्टर को सिलेक्ट करो ता परे ओके बटन को क्लिक करो या द्वारा तुम देखि परिबो तुम्हारा कर्सर जेउठार अछि ता परे आ गुटिए इठारे कॉलम इंसर्ट होई जाइछि एवं एहिथिरे मध्य तुमे टाइप करि परिबो जेउबले वीडियो रे इठारे टाइप करा जाइछि एड्रेस एही परि भाबरे तुमे कॉलम को इंसर्ट करि परिबो आसो वर्तमान डिलीट सब मेनू विषय रे सिखिबा डिलीट सब मेनू रो व्यवहार करी तुमे रो किंबा कॉलम किंबा संपूर्ण टेबल को डिलीट करि परिबो आसो वर्तमान एही वीडियो को देखिबा एवं डिलीट रो व्यवहार किपरि करा जाय जानिबा वर्तमान डिलीट ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुमे तुमार कर्सर को सही जागा रे रखो जेउ रो किंबा कॉलम को तुमे डिलीट करिबा पई चाहुछो एबे एही रो पाखरे तुम्हारा कॉलम तुम्हारा कर्सर को रख एवं एठारे डिलीट रो ऑप्शन पाखो को जाई गोटे थरो क्लिक करो टेबल टूल बार रे तुम्हें देखि परिबो
तुम्हा कर्सर थिबा रो टी डिलीट हो जाइछि सेई परी एही रो पाखरे तुम्हारा कर्सर को रख तापरे टेबल ऑप्शन को जाओ तापरे डिलीट ऑप्शन को जाई इठारे रो ऊपर क्लिक करो तुम्हें देखी परिबो तुम्हारा कर्सर जेउ रो रे थिला सेही रो टी डिलीट हो जाइछि सेही परी कॉलम को डिलीट करबा पई एठार तुम्हारा कर्सर को रख एवं टेबल टूल बार रे डिलीट कॉलम ऑप्शन पाखो को जाई गोटे थरो क्लिक करो तुम्हें देखी परिबो तुम्हारा कर्सर जेउ कॉलम रे थिला सेही कॉलम टी डिलीट हो जाइछि सेही परी अन्य माध्यम पई एठारे कर्सर को रख तापरे टेबल ऑप्शन को जाओ तापरे डिलीट ऑप्शन को जाई कॉलम ऑप्शन को क्लिक करो तुम्हें देखी परिबो एबे तुम्हारा कर्सर जेउ कॉलम रे थिला ता डिलीट हो जाइछि सेही परी जे तुम्हें संपूर्ण टेबल को डिलीट करिया पई चाहौचो तेबे पुनर्बार टेबल ऑप्शन को जाओ तापरे डिलीट ऑप्शन को जाओ तापरे एठारे टेबल ऑप्शन ऊपर गोटे थरो क्लिक करो एहा द्वारा तुम्हें देखी परिबो संपूर्ण टेबल टी तुम्हारा फाइल रु डिलीट हो जाइछि एही परि भाबरे तुम्हें डिलीट ऑप्शन रा व्यवहार करि परिबो एवं एहा को पुनर्बार आनिया पई तुम्हें अंडू कमांड व्यवहार करो तापरे आसो सिलेक्ट ऑप्शन विषय रे जानिबा तुम्हें रो कॉलम किंबा संपूर्ण टेबल को बहुत प्रकार रे सिलेक्ट करि परिबो जेमिति कि टेबल टूल बार को व्यवहार करी टेबल मेनू रो सिलेक्ट ऑप्शन को व्यवहार करी माउस किंबा टचपैड सहाय्य रे एवं शिफ्ट सहित एरो की रो व्यवहार करी मध्य करी परिबो आसो वर्तमान एही वीडियो को देखिबा एवं आमे सिलेक्ट ऑप्शन को किपरि व्यवहार करिबा ता सिखिबा वर्तमान टेबल को सिलेक्ट करिबार विभिन्न माध्यम आमे सिखिबा एथि पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को तुम टेबल रो सही जगह रे रख जेउडा रे एहा को सिलेक्ट करिया पई चाहौछो रो किंबा कॉलम को सिलेक्ट करिया पई चाहौछो किंबा संपूर्ण टेबल को तापरे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को टेबल मेनू को नहीं क्लिक करो तापरे सिलेक्ट ऑप्शन को जाओ एठारे टेबल ऊपर गोटे थर क्लिक करो तुम्हें देखी पारिबो संपूर्ण टेबल टी सिलेक्ट हो जाइछि जे भली तुम्हें वीडियो रे देखि परुछो एबे या पर आउथरे क्लिक करो या द्वारा यह अनसिलेक्ट हो जइबो तापरे पुनर्बार टेबल मेनू को जाई क्लिक करो तापरे सिलेक्ट ऑप्शन को जाओ एबे इठारे रो ऊपर क्लिक करो तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारा कर्सर जेउठारे थिला सही रो टी सिलेक्ट हो जाइछि से पर एठारे आउथरे क्लिक करो तापरे टेबल मेनू को जाओ पुनर्बार सिलेक्शन ऑप्शन को जाओ तापरे सिलेक्ट ऑप्शन को जाओ इठारे रो ऊपर क्लिक करो एबे देखि पारिबो एबे तुम्हारा कर्सर जेउठारे थिला सही रो टी सिलेक्ट हो जाइछि पुनर्बार टेबल मेनू को जाई गोटे थरो क्लिक करो तापरे सिलेक्ट ऑप्शन को जाओ एबे इठारे कॉलम ऊपर क्लिक करो तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारा कर्सर जेउठारे थिला सही कॉलम टी सिलेक्ट हो जाइछि से बळी एठारे तुम्हारा कर्सर को रख तापरे तुम्हारा कर्सर को नहीं टेबल मेनू को सिलेक्ट करो तापरे सिलेक्ट ऑप्शन को जाओ एबे इठारे सेल ऑप्शन ऊपर क्लिक करो तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारा कर्सर जेउठारे थिला सही सेल टी सिलेक्ट हो जाइछि तुम्हें अन्य माध्यम रे मध्य तुम्हारा टेबल रो किंबा सेल को किंबा कॉलम को सिलेक्ट करि परिबो तुम्हारा माउस किंबा टचपैड रो बाम बटन को दबाई रखी तुम्हें याकु टाणी रो किंबा कॉलम को सिलेक्ट करि परिबो जे तुम बाम रो डाहन को टाणु छ तबे रो सिलेक्ट हबो एवं ऊपर ओ तळ को जदि तुम्हारा कर्सर को टाणु छ तबे कॉलम सिलेक्ट हबो सेई परि अन्य माध्यम रहिछि मध्य जहा कि शिफ्ट बटन को तुम्हें प्रेस करी अप एरो की किंबा डाउन एरो की राइट एरो की को व्यवहार करी तुम्हें सिलेक्ट करी परिबो।
जे तुम्हें डाउन एरो की को प्रेस कर जो शिफ्ट सहित तबे कॉलम सिलेक्ट हो जिवो एवं जे तुम्हें शिफ्ट बटन सहित राइट एरो की को व्यवहार करू छ तबे रो सिलेक्ट हो जिवो एई परि भाबरे तुम्हें तुम्हारो टेबल को सिलेक्ट करि परिबो। आसो वर्तमान मर्ज सेल विषय रे सिखिबा। कोन तुम्हें जानि छ कि मर्ज सेल कोन अटे? मर्ज करिबा अर्थ गोटिए को मिसाइबा किंबा गोटिए करिबा, दुईटी किंबा अधिक सेल को मिसाई गोटिए करिबा पई मर्ज सेल को व्यवहार करा जाए। मर्ज सेल ऑप्शन रो व्यवहार विषय सिखिबा पई एही वीडियो को देखो। वर्तमान मर्ज सेल ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हें चाहूथिबा सेल को सिलेक्ट करो जहाँ को तुम्हें मर्ज करिबा पई चाहूछ। दुईटी किंबा ताटु अधिक सेल को तुम्हें मर्ज करि परिबो। एबे वर्तमान वीडियो रे देखाइथिबा बळी एठारे राउंड 1 स्कोर एवं राउंड 2 स्कोर एही दुईटी सेल को सिलेक्ट करो। तापरे टेबल मेनू को जाई क्लिक करो। एबे एठारे मर्ज सेल ऑप्शन ऊपर क्लिक करो। एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो एही दुईटी सेल मिसी जाइछि एवं गोटिए सेल होई जाइछि जेउ भळी तुम्हें वीडियो रे देखि पारु छौ। सेही भळी एठारे एही दुईटी सेल को सिलेक्ट करो। या पर पुनर्बार टेबल मेनू को जाई गोटिए थर क्लिक करो। ता पर एठारे थिबा मर्ज सेल ऑप्शन ऊपर गोटिए थर क्लिक करो। एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो एही दुईटी सेल मध्ये मिसी जाइछि एवं गोटिए होई जाइछि। सेही परि तुम्हें कोनोसी कॉलम को मध्य मर्ज करि परिबो। एही भळी एबे एही कॉलम टी को सिलेक्ट करो। तापरे टेबल ऑप्शन को जाई गोटिए थर क्लिक करो। एबे एठारे मर्ज सेल ऊपर क्लिक करो। तुम्हें देखि परिबो एही सेल टी मध्य गोटिए होई जाइछि सब सेल गुड़ को मिसी जेउ भळी तुम्हें वीडियो रे देखि पारु छ। एही भळी भाबरे तुम्हें कोनोसी रो रे सेल गुड़ी को किंबा कॉलम रे सेल गुड़ी को मर्ज करि परिबो। आसो वर्तमान स्प्लिट सेल रो व्यवहार विषय रे सिखिबा। कोन तुमे जानि छो आमे स्प्लिट सेल रो व्यवहार काहे की करि थाउ? स्प्लिट रो अर्थ किछि अलगा करिबा किंबा भाग करिबा। स्प्लिट सेल रो व्यवहार करी तुमे गोटिए सेल को दुईटी किंबा अधिक सेल को भाग करि परिबो। जदि तुम्हें चाहिबो सेल को हॉरिजॉन्टली किंबा वर्टिकली भाग करि परिबो। स्प्लिट सेल रो व्यवहार किपरि करा जाए एही वीडियो रे देखा जाइछि। वर्तमान स्प्लिट सेल ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को सही जगह रे रखो जेउ सेल को तुम्हें स्प्लिट करिया पई चाहूछ अर्थात भाग करिबा पई चाहूछ। एबे वीडियो रे देखा जाइथिबा भळे तुम्हारा कर्सर को एठारे रख। तापरे टेबल ऑप्शन को जाई गोटे थर क्लिक कर। एठारे स्प्लिट सेल ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक कर। एहा द्वारा तुम आगर गोटे बॉक्स आसीबो जेउठारे एठारे तुम्हें देखि परिबो ऑप्शन रहिछि अप एरो की डाउन एरो की रो ऑप्शन रहिछि। एठारे तुम्हें केतोटी सेल को भाग करिया पई चाहूछ एठारे ऑप्शन रहिछि एवं एठारे वर्टिकली किंबा हॉरिजॉन्टली याकु सिलेक्ट करि परिबो। एबे वर्टिकली को सिलेक्ट करो। तापरे ओके बटन को प्रेस करो। तुम्हें देखि परिबो एही सेल टी एबे भाग होइ जाइछि एवं दुईटी सेल होइ जाइछि। एबे एठारे डाटा को तुम्हें कट करि परिबो एवं एठारे पेस्ट करि परिबो जे भळी वीडियो रे देखा जाइछि। ए भळी तुम यहाँ को पेस्ट करि परिबो। सही भळी एठारे तुम्हारा कर्सर को रख। तापरे पुनर्बार टेबल ऑप्शन को जाओ। तापरे स्प्लिट सेल ऑप्शन को क्लिक करो।
एबे एठारे तुम्हें जेतोटी सेल को भाग करिया पई चाहौछ एठारे ता सिलेक्ट करि परिबो अप एरो की एवं डाउन एरो की को व्यवहार करी एबे एठारे वर्टिकली को सिलेक्ट करो तापरे ओके बटन को प्रेस करो या द्वारा या दुईटी सेल ले भाग होई जीवो एबे एठारे तिबा प्रथम सेल ले डाटा को तुम्हें एठारे कट करि परिबो कट करिया पई कंट्रोल एवं एक्स बटन को व्यवहार करि परिबो तापरे पेस्ट करिबा पई कंट्रोल भी बटन को व्यवहार करि परिबो सेई परी एठारे प्रथम कॉलम टी को स्प्लिट करिबा पई प्रथमे तुम्हारो कर्सर को एठारे रख एहा परे तुम्हारो कर्सर को नै टेबल ऑप्शन को गटे थरो क्लिक करो तापरे स्प्लिट सेल ऑप्शन को क्लिक करो एबे एठार जे बॉक्स आसीबो एठारे जेतु एको पांचोटी सेल ले डिवाइड करिवार अछि एठारे पांच सिलेक्ट करो किंबा तुमे चारोटी सेल करि परिबो तापरे याको हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करो तापरे ओके बटन को प्रेस करो एबे तुमे देखि परिबो सही सेल टी चारोटी सेल ले भाग होई जाय छि एबे तुमे एठारे प्रत्येक रो पई सटीक नाम को एठारे कट करी पेस्ट करी परिबो जे भली वीडियो रे देखा जाय छि एबे एठारे प्रथम नाम प्रवीण को कट करो एते पई कंट्रोल एक्स बटन को व्यवहार करो एवं पेस्ट करिया पई कंट्रोल वी बटन को व्यवहार करो से भली परवर्ती नाम को कट करो एवं एठारे पेस्ट करो से परी तार परवर्ती नाम टी को कट करो एवं एठारे पेस्ट करो तुम्हें देखि परिबो आउ गोटिए सेल आउ गोटिए सेल रो आवश्यक अछि एथि पई तुम्हें पुनर्बार टेबल ऑप्शन को जाओ एवं एठारे स्प्लिट सेल को क्लिक करो एबे एठारे हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करो एवं ओके बटन को प्रेस करो तुम्हें देखि परिबो आउ गोटिए सेल आसी जाय छि एबे एठारे शेष नामटी को कट करो एवं एठारे पेस्ट करो एही परि भाबरे तुम्हें स्प्लिट सेल ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो कौन तुम्हें जानी छो प्रोटेक्ट सेल द्वारा कौन होई थाए प्रोटेक्ट सेल रो व्यवहार करि तुम्हें गोटिए सेल को प्रोटेक्ट अर्थात सुरक्षित करि परिबो अर्थात सही सेल ले किछि भी परिवर्तन करा जाई पारिबो नहीं एही वीडियो रो सहाय्य रे प्रोटेक्ट सेल ऑप्शन रो व्यवहार किपरि करा जाय देखो वर्तमान आमे प्रोटेक्ट सेल ऑप्शन रो व्यवहार सिखिबा एथि पई तुमरा कर्सर प्रथमे सही जगह रे रखो जेउठारे तुमे तुमरा सेल को प्रोटेक्ट करिवा पई अर्थात सुरक्षित करिवा पई चाहुछो तापरे तुम्हारा कर्सर को टेबल मेनू को नहीं क्लिक करो या परे एठारे प्रोटेक्ट सेल ऑप्शन ऊपर क्लिक करो एबे तुम्हें देखि परिबो जेतेबेले तुम्हें एही सेल ले तुम्हारा कर्सर को रखिबो तुम्हें देखि परिबो टेबल टूल बार रे कोनोसी भी ऑप्शन हाइलाइट हेउ नाही सेही भली जदे टेबल ऑप्शन को जिवो तुम्हें देखि परिबो एठारे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रहिछि किंतु ता हाइलाइट हेउ नाही कारण एही सेल ले तुम्हें कोनोसी प्रकार परिवर्तन करि परिबो नाही सेही परि जदि तुम्हें एठारे किछि टाइप करिया पई चाहबो तबे तुम अगर गोटे एरर आसीबो कि एहा प्रोटेक्ट होइछि अर्थात सुरक्षित होइ रहिछि तेनु एथिरे कोनोसी प्रकार चेंजेस करि परिबो नाही एबे एही सेल उपरे राइट क्लिक करो तापर सेल ऑप्शन को जाओ या परे अनप्रोटेक्ट उपरे क्लिक करो एबे तुम्हें देखि परिबो टेबल टूल बार रे ऑप्शन उडी को हाइलाइट होई जाय छि पुनर्बार कारण एहा नॉर्मल सेल भली अटे वर्तमान एबे एथिरे तुम्हें चेंजेस करि परिबो कोनोसी फॉर्मेटिंग करि परिबो किछि ऐड करि परिबो जे भली तुमको वीडियो रे देखा जाय छि एही परि भाबरे तुम्हें तुम्हारा सेल को प्रोटेक्ट करि परिबो आसो वर्तमान ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन विषय रे सिखिबा आरंभ करिबा
ऑटो फॉर्मेट गोटे एमिती ऑप्शन अटे जेउथिरे पूर्वरु टेबल रो बहुत गुडी डिजाइन रही थाए तुमे ताकू तुमरो आवश्यक अनुसार व्यवहार करि परिबो। आसो वर्तमान एही वीडियो को देखि ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन रो व्यवहार विषय रे अधिक सिखिबा। वर्तमान ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को टेबल भीतर नहीं गोटे थर क्लिक करो। या परे तुम्हारा कर्सर को टेबल मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक करो। या परे एठारे ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक करो। तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जेउथिरे तुमे देखि परिबो विभिन्न प्रकार रो फॉर्मेट रहिछि। तुमे एहा को क्लिक करी एहार प्रीव्यू डाहाण पाखरे देखि परिबो एवं एठारे तुमे स्क्रॉल बार को व्यवहार करी फॉर्मेट गुडी को चेक करी परिबो। एबे तुम इच्छा मुताबिक जे कोनसी गोटिए फॉर्मेट को सिलेक्ट करो। तापरे एठारे ओके बटन ऊपर गोटे थर क्लिक करो। तुमे देखि परिबो तुमे सिलेक्ट करथिबा डिजाइन अनुजाई तुम टेबल रो डिजाइन हो जाई छी। एबे पुनर्बार टेबल मेनू को जाय क्लिक करो। तापरे ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन को क्लिक करो। एबे इठारे गोटे ऑप्शन रही छी मोर या ऊपर क्लिक करो। तुमे देखि परिबो एठारे विभिन्न प्रकार फॉर्मेटिंग रही छी ताकु चेक करि परिबो एवं कौन से एठारे फॉर्मेट को तुम्हें रीनेम मध्य करि परिबो। एथिपई रीनेम ऊपर क्लिक करो। एठारे बॉक्स रे तुम्हें एथिपई गोटे नाम दे परिबो। तापरे ओके ऊपर क्लिक करो। तुम्हें देखि परिबो एहा रीनेम होई जाई छी। एबे एठारे ऐड ऊपर क्लिक करो एवं एठारे तुम नाम दे जे कौन से फॉर्मेट तुम्हें तैयारी करि परिबो जो भली वीडियो रे देखा जाई छी एवं तुमे या को डिलीट मध्य करि परिबो। एति पई या को प्रथमे सिलेक्ट करो। तापरे डिलीट लेखा जैतिबा ऑप्शन उपरे गोटे थरो क्लिक करो। तापरे ओके उपरे क्लिक करो। या द्वारा ता डिलीट होई जिवो। से बळी तुमे जे कोनसी फॉर्मेट उपरे क्लिक करी तापरे डिलीट ऑप्शन को जाई डिलीट करि परिबो। एबे तुमे जे कोनसी फॉर्मेट को सिलेक्ट करो। तापरे ओके बटन को क्लिक करो। तुमे देखि परिबो तुमे सिलेक्ट करथिबा डिजाइन अनुजाई तुम टेबल रो डिजाइन होई जाई छी। एही परि भाबरे तुमे ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो। आसो वर्तमान ऑटो फिट विषय रे सिखिबा। कोन तुमे कहि परिबो ऑटो फिट ऑप्शन रो व्यवहार काहे की करा जाय। ऑटो फिट ऑप्शन रो व्यवहार करी तुमे रो किंबा कॉलम रो हाइट किंबा विड्थ को बढ़ाई पारिबो किंबा कमाई पारिबो। आसो वर्तमान एही वीडियो को देखिबा एवं ऑटो फिट रो व्यवहार विषय रे अधिक सिखिबा। वर्तमान ऑटो फिट ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम टेबल रो कोनोसी रो किंबा कॉलम को सिलेक्ट करो। या परे तुम्हारा कर्सर को टेबल ऑप्शन को नहीं गोटे थर क्लिक करो। तापरे ऑटो फिट ऑप्शन ऊपर तुम्हारा कर्सर नियो एही ठारे ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक करो। या द्वारा तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो। एही ठारे अप एरो की एवं डाउन एरो की को प्रेस करी रो रो हाइट को बढ़ाई पारिबो किंबा कमाई पारिबो। एबे ठारे ओके बटन को प्रेस करो एवं तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें देइथिबा हाइट अनुजाई रो रो हाइट होई जाई छी। सेही भली आउ गुटे रो को सिलेक्ट करो। तापरे तुम्हारा कर्सर को टेबल मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक करो। तापरे ऑटो फिट ऑप्शन को जाओ। तापरे रो हाइट ऊपर क्लिक करो। एबे एही बॉक्स रे तुम्हें रो रो हाइट एठारे सिलेक्ट करि परिबो जेउ हाइट तुम्हें चाहू छ। तापरे एठारे ओके ऊपर गोटे थर क्लिक करो।
एबे तुमे देखि पारिबो तुमे देइथिबा साइज अनुसार रोर हाइट होय जाइछि। सेइ बळी इठारे एबे संपूर्ण टेबल टिकु सिलेक्ट करा, तापर तुम्हारा कर्सर को टेबल मेनू को नै गटे थरो क्लिक करा। या परे ऑटो फिट ऑप्शन को जाओ, तापर एठारे डिस्ट्रीब्यूट रोज इक्वली ऑप्शन को गटे थरो क्लिक करा। जे भली वीडियो रे देखा जाइछि, एहा द्वारा तुमे देखि पारिबो सबु रोर साइज समान होइ जाइछि, जे भली वीडियो रे देखि पारुछो। एबे पुनर्बार तुमार कर्सर को टेबल मेनू को नै गटे थरो क्लिक करो, तापर ऑटो फिट ऑप्शन को जाओ। एबे एठारे रो हाइट ऑप्शन को गटे थरो क्लिक करो। एबे तुमे इठारे रो रो हाइट जहा चाहू छो ता इठारे सिलेक्ट करी परिबो अप एरो की एवं डाउन एरो की द्वारा, ता परे ओके बटन को प्रेस करो। तुमे देखि परिबो रो रो हाइट तुमे देइथिबा हाइट अनुजय होई जाइछि। सेई परि एबे गोटे कॉलम को सिलेक्ट करो, ता परे टेबल मेनू को जाई गोटे थरो क्लिक करो, ता परे ऑटो फिट ऑप्शन को जाओ। एबे ठारे कॉलम विड्थ को क्लिक करो, एठारे तुमे केतोटी कॉलम ताहा इठारे सिलेक्ट करि परिबो एवं ता पई इठारे विड्थ को सिलेक्ट करि परिबो। एति पई तुमे अप एरो की एवं डाउन एरो की को व्यवहार करि परिबो, ता परे ओके बटन को प्रेस करो। तुमे देखि परिबो तुमे सिलेक्ट करथिबा कॉलम रा विड्थ सेही भली होई जाइछि। एबे आउ गोटे कॉलम को सिलेक्ट करो, तापर टेबल मेनू को जाई गोटे थरो क्लिक करो, तापर ऑटो फिट ऑप्शन को जाओ एवं कॉलम विड्थ को गोटे थरो क्लिक करो। एबे इठारे तुम्हें विड्थ को चेंज करि परिबो जे भली वीडियो रे देखा जाइछि, तापर ओके बटन को प्रेस करो। तुम्हें देखि परिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा कॉलम रो विड्थ चेंज होई जाइछि, जे भले वीडियो रे तुम्हें देखि पारुछो। एबे संपूर्ण टेबल को सिलेक्ट करो, तापरे टेबल ऑप्शन को जाई गोटे थरो क्लिक करो, तापरे ऑटो फिट ऑप्शन को जाओ। एबे एठारे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इक्वली ऊपर क्लिक करो, तुम्हें देखि परिबो कॉलम रो विड्थ समान होई जाइछि। एई बोली भाबरे तुम्हें ऑटो फिट ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो। आसो वर्तमान कन्वर्ट ऑप्शन विषय रे सिखिबा। कोन तुम्हें जानिछो कन्वर्ट ऑप्शन द्वारा कोन होई थाय? कन्वर्ट ऑप्शन रो व्यवहार द्वारा तुम्हे टेक्स्ट को टेबल रे एवं टेबल को टेक्स्ट रे परिवर्तन करि परिबो। आसो वर्तमान एही वीडियो को देखिबा एवं कन्वर्ट रो व्यवहार केमिति करा जाय सिखिबा। वर्तमान कन्वर्ट ऑप्शन रो व्यवहार करी आमे टेबल को टेक्स्ट रे परिवर्तन करि परिबा एवं टेक्स्ट को टेबल ले परिवर्तन करि परिबा। एथि पई प्रथमे तुम्हें टेबल को सिलेक्ट करो, जे भली वीडियो रे देखा जाइछि, तापर तुम्हारा कर्सर को टेबल मेनू को नै गोटे थरो क्लिक करो। एहा परे कन्वर्ट ऑप्शन को तुम्हारा कर्सर नियो, एठारे टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन परे गोटे थरो क्लिक करो। तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो, एठारे सेपरेट टेक्स्ट एट तुम्हें कहा माध्यम रे सेपरेट करिया पई चाहू छो एठारे सिलेक्ट करि परिबो। वर्तमान टैब को क्लिक करो, तापरे ओके बटन को प्रेस करो। तुम्हें देखि परिबो टेक्स्ट गुड़ी को टैब द्वारा सेपरेट अर्थात अलगा होई छंती। एबे अंडू करो, तापरे पुनर्बार टेबल मेनू को जाओ, तापरे कन्वर्ट ऑप्शन को जाओ, एबे टेबल टू टेक्स्ट ऊपर क्लिक करो। एबे
सेमी कलन को सिलेक्ट कर तापर ओके बटन को प्रेस कर एवं तुम्हें देखिपार टेक्स्ट गुड़िक सेमी कलन द्वारा अलग होतीपरि पुनर्बार अंडो कर तापरे पुनर्बार टेबल मेनू को जाओ तापरे कन्वर्ट ऑप्शन को जाओ एबे टेबल टू टेक्स्ट ऊपर क्लिक करो एबे पाराग्राफ को सिलेक्ट करो तापरे ओके बटन को प्रेस करो तुम्हें देखि पारिबो एठारे टेक्स्ट गुड़िक पाराग्राफ द्वारा अलग होइछि जे भले तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछो एबे पुनर्बार अंडू करो तापरे पुनर्बार टेबल मेनू को जाई क्लिक करो तापरे कन्वर्ट ऑप्शन को जाओ तापरे टेबल टू टेक्स्ट ऊपर क्लिक करो एबे इठारे अदर ऊपर क्लिक करो एबे इठारे तुम्हें सिंबल दे पारिबो कहा माध्यम रे तुम्हें अलग करिबा पई चाहुछो एबे इठारे प्लस सिंबल दियो तापरे ओके बटन पर क्लिक करो एबे तुम्हें देखि पारिबो टेक्स्ट गुड़िक प्लस सिंबल द्वारा अलग होइछि जो भली तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछो एबे एबे याकु सिलेक्ट करो तापरे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को टेबल मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक करो तापरे कन्वर्ट ऑप्शन को जाओ एबे एठारे टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन को क्लिक करो एबे एठारे जो देखि पारिबो प्लस सिंबल द्वारा हमें अलग करथिलु एबे ओके बटन को प्रेस करो एबे तुम्हें देखि पारिबो टेक्स्ट गुड़िक टेबल को परिवर्तन हो जाइछि एही परि भाबरे आमे कन्वर्ट ऑप्शन को व्यवहार करि पारिबा वर्तमान तुम्हें फॉर्मूला ऑप्शन विषय रे सिखिबो कौन तुम्हें जानिछ फॉर्मूला ऑप्शन द्वारा कौन होइथाय फॉर्मूला ऑप्शन द्वारा तुम्हें गाणितिक कार्य करि पारिबो जेमिति कि मिसाण फेडाण एवं गुणन करि पारिबो टेबुल दिया नंबर गुड़िकर फॉर्मूला ऑप्शन किपरि व्यवहार करा जाए अधिक जानिबा पई एही वीडियो को देख वर्तमान आमे गाणितिक फॉर्मूला गुड़िकर व्यवहार करिबा एथिपई प्रथमे रिजल्ट कॉलम रे थिबा वैल्यू गुड़ी को डिलीट कर दियो जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि एहा परे रिजल्ट कॉलम रो द्वितीय सेल रे तुम्हारा कर्सर को रख तापरे टेबल ऑप्शन को जाई गोटे थर क्लिक कर तापरे इठारे फॉर्मूला ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक कर इठारे उपरे फॉर्मूला बार आसी जिवो इठारे समान चिन्ह अछि तापरे इठे टाइप कर एस यू एम जे तो आम सम रो वैल्यू बाहर करिया पई जाउछु तापर ब्रैकेट आरंभ करो तापर इठारे दुईटी वैल्यू को सिलेक्ट करो तापर ब्रैकेट को क्लोज करो एवं गोटे थर एंटर बटन को दबाओ एहा द्वारा इठे मिसाण फल आसी जिवो जे भली तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछ सेई परी परवर्ती सेल रे इठारे मिसाण फल अर्थात सम रो वैल्यू बाहर करिया पई इठारे परवर्ती सेल को सिलेक्ट करो तापर इठारे टेबल टूल बार रे इठारे सम रो चिन्ह को सिलेक्ट करो जे भली वीडियो रे देखा जाइछि या को गोटे थरो क्लिक करो इठारे आसी जिवो एबे एही दुईटी सेल को सिलेक्ट करो जे दुईटी वैल्यू को मिसाय पे चाहू छो तापर एंटर बटन को दबाओ या द्वारा एठारे मिसाण फल आसी जिवो एकस्तरी एवं सतस्तरी रो से परि परवर्ती सेल को सिलेक्ट करो तापर फॉर्मूला बार को जाई
इठारे इक्वल टू इठारे समान चिन्ह दियो तापर इठारे तुम्हें चिन्ह दे इठारे मिशन फल बाहर कर पारिबो जो भाई इठारे प्रथमे प्रथम वैल्यू 52 टाइप करा जाइछि तापरे प्लस चिन्ह दियो तापरे 70 टाइप करो तापरे गोटे थर एंटर बटन को दबाओ एठारे मिशन फल आसी जीवो सही परी परवर्ती सेल को गोटे थर क्लिक करो तापरे फॉर्मूला बार को जाओ एवं एठारे तुम्हें मिशन फल बाहर कर पाइबो एटा टाइप करो फॉर्मूला एस यू एम तापरे ब्रैकेट आरंभ करो तापरे दुईटी वैल्यू को सिलेक्ट करो तापरे ब्रैकेट क्लोज करो एवं गोटे थर एंटर बटन को दबाओ एठारे मिशन फल आसी जीवो एई परी तुम्हें रिजल्ट कॉलम रे मिशन फल गुड़ी को बाहर करी परिबो एबे आ गोटे कॉलम इंसर्ट करो एथि पई टेबल टूल बारे थिबा इंसर्ट कॉलम ऑप्शन ऊपर क्लिक करो आ गोटे टेबल इंसर्ट होई जीवो जे भली वीडियो रे देखि पारु छ एबे एठारे आमे डिफरेंस अर्थात वियोगर वैल्यू बाहर करिबा तेणु टाइप कर एठारे डिफरेंस टाइप करो तापरे यार प्रथम सेल को आसी गोटे थर क्लिक करा एबे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को टेबल मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक करा तापरे एठारे फॉर्मूला ऊपर गोटे थर क्लिक करा एबे फॉर्मूला बार आसी जीवो एठारे तुम्हें डिफरेंस बाहर करिया पई प्रथम सेल को रिजल्ट प्रथम सेल को सिलेक्ट करो तापरे माइनस चिन्ह दियो तापरे राउंड टू स्कोर प्रथम सेल को सिलेक्ट करो तापरे गोटे थर एंटर बटन दबाओ एठारे डिफरेंस वैल्यू आसी जीवो सेपरि परवर्ती सेल को सिलेक्ट करो तापरे फॉर्मूला बार को जाई इठारे तुम्हें तुम तरफ टाइप करी परिबो 148 माइनस चिन्ह दियो तापरे 77 टाइप करो जहाँ कि राउंड टू रो स्कोर अटे जहाँ कि राउंड टू स्कोर रो वैल्यू अटे तापरे गोटे थर एंटर बटन को दबाओ इठारे डिफरेंस वैल्यू आसी जीवो एबे मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणन रो वैल्यू बाहर करिया पई इठारे प्रथमे फॉर्मूला बार को जाओ तापर इठारे टाइप कर 70 एवं गुणन चिन्ह पई स्टार चिन्ह व्यवहार कर तापर 52 टाइप कर 52 जो भली वीडियो रे देखा जाइछि तापर गोटे थर एंटर बटन को दबाओ एठारे गुणफल आसी जीवो सही परी परवर्ती सेल रे हरण रो वैल्यू बाहर करिबा पई फॉर्मूला बार को जाओ तापर इठारे टाइप करो नंबर 77 एवं हरण चिन्ह पई फॉरवर्ड स्लैश दियो तापर 70 टाइप करो तापर गोटे थर एंटर बटन को दबाओ एठारे हरण रो वैल्यू आसी जीवो एही परी तुम्हें फॉर्मूला ऑप्शन को व्यवहार करी गाणितिक वैल्यू गुड़ी को बाहर करी परिबो तापरे आसो नंबर फॉर्मेटिंग विषय रे सिखिबा कोन तुम्हें कहि परिबो आमे नंबर फॉर्मेटिंग रो व्यवहार काहे की करू नंबर को अलग अलग प्रकार फॉर्मेट रे फॉर्मेट करिबा पई नंबर फॉर्मेटिंग को व्यवहार करा जाए तुम्हें मेनू किंबा टेबल टूलबार सहित एही ऑप्शन को मध्य व्यवहार करी परिबो
नंबर फॉर्मेटिंग विषय रे अधिक जानिबा पई एही वीडियो को देखो। वर्तमान आमे नंबर फॉर्मेटिंग विषय रे सिखिबा एथि पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर को सही सेल ले रखो जहार नंबर फॉर्मेटिंग तुम्हें करिबा पई चाहु छ। एहा परे टेबल ऑप्शन को जाई गोटे थर क्लिक करो। एहा परे इठारे नंबर फॉर्मेटिंग ऊपर गोटे थर क्लिक करो। तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो। एठार तुम्हें देखि परिबो विभिन्न प्रकार रो ऑप्शन रही छि। प्रथम ऑप्शन रे कैटेगरी रही छि। एठारे विभिन्न प्रकार रो कैटेगरी रही छि। तुम एठारे सिलेक्ट करि परिबो एवं ताकु चेक करि परिबो जे भली वीडियो रे देखा जाय छि एबली भाबरे एवं इठार जे तुम्हें ऑल सिलेक्ट करछ तेबे यहाँ पाई जो फॉर्मेट रही छि ताइठार सब गुडी को आसुचि तुम्हें देखि परिबो। एठारु तुम्हें जहाँ चाहूछ ताकु सिलेक्ट करि परिबो। जदि इठारे नंबर को सिलेक्ट करूछ एवं इठारे लैंग्वेज रे विभिन्न प्रकार लैंग्वेज रही छि एठारे तुम्हें चाहूथिबा लैंग्वेज को सिलेक्ट करि परिबो। एठारे बे हिंदी को सिलेक्ट करो एवं एठारे कैटेगरी रे ऑल सिलेक्ट करो एवं फॉर्मेट रे तुम्हें चाहूथिबा अनुजाई एठारे सिलेक्ट करि परिबो जे भली वीडियो रे देखा जाय छि। जदि रे परसेंटेज को सिलेक्ट करूछ एवं ता परे ओके बटन को प्रेस करूछ तबे तुम्हें देखि परिबो एहा चेंज होय जाय छि एवं 5200% होय जाय छि। सही परी परवर्ती सेल को सिलेक्ट करो। तापर टेबल ऑप्शन को जाओ। तापर नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक करो। तुम आगरे पूर्व परी गोटे बॉक्स ओपन हेबो। एठारे कैटेगरी रे एबे एठारे करेंसी को सिलेक्ट करो एवं फॉर्मेट रे एठारे तुम्हें यूएस डॉलर को सिलेक्ट करो। तापर ओके बटन को प्रेस करो। तुम्हें देखि परिबो एहा परिवर्तन होय जाय छि एवं 71.00 USD होय जाय छि। एहि परि भाबरे तुम्हें नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो। तापरे आसो टेबल प्रॉपर्टीज विषय रे सिखिबा। कोन तुम्हें जानि छौ आमे प्रॉपर्टीज ऑप्शन रो व्यवहार काहे कि करि थाउ। प्रॉपर्टीज ऑप्शन रो व्यवहार करि तुम्हें तुम्हारो टेबल रे परिवर्तन करि परिबो। तुम्हें टेक्स्ट किंबा नंबर को चेंज करि परिबो एवं आहुरी मध्य बहुत काम करि परिबो जेमिति कि टेबल रे बॉर्डर लगाई परिबो बैकग्राउंड कलर लगाई परिबो इत्यादि एवं तुम्हें एही सब को बदलाई परिबो मध्य। आसो वर्तमान एही वीडियो रु टेबल प्रॉपर्टीज विषय रे अधिक जानिबा। वर्तमान आमे टेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शन विषय रे सिखिबा। एथि पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को टेबल मेनू को नै गोटे थर क्लिक करो। तापरे टेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक करो। तुम आगरे गोटे बॉक्स आसीबो जेउथिरे तुम्हें विभिन्न प्रकार ऑप्शन देखि परिबो। एथिरे टेबल ऑप्शन को क्लिक करो। एबे इठारे टेबल पई गोटे नाम इठारे दियो जे भली इठारे वर्तमान CS टाइप करा जाय छी एवं विड्थ रे तुम्हें इठारे रिलेटिव ऑप्शन टिकु हटाई इठारे तुम्हारा आवश्यक अनुसार इठारे विड्थ को सिलेक्ट करो। तापरे स्पेसिंग रे इठारे अप एरो की को प्रेस करी तुम्हें लेफ्ट स्पेसिंग दे परिबो अबव स्पेसिंग दे परिबो एवं बिलो स्पेसिंग दे परिबो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी। एबे इठारे मैनुअल को क्लिक करो एवं राइट स्पेसिंग मध्य दियो एवं तुम्हें देखि परिबो अलाइनमेंट रे ऑटोमेटिक रही छी लेफ्ट रही छी एवं फ्रॉम लेफ्ट रही छी राइट रही छी से भली सेंटर रही छी। एबे तुम्हें मैनुअल को सिलेक्ट करो। तापरे गोटे थर ओके बटन को प्रेस करो। तुम्हें देखि परिबो तुम्हें जो प्रकार चेंजेस करथिलो ताहा तुम्हार टेबुल हो जाए। सही परी पुनर्बार
तुम्हारे टेबल टी को सिलेक्ट करो, तापर टेबल ऑप्शन को जाओ एवं टेबल प्रॉपर्टीज को क्लिक करो। एबे टेक्स्ट फ्लो को क्लिक करो, एठारे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही। टेक्स्ट डायरेक्शन रे तुम्हें एठारे सिलेक्ट करी परिबो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एवं परवर्ती ऑप्शन रही यूज सुपर ऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट सेटिंग, या को सिलेक्ट करो एवं वर्टिकल अलाइनमेंट रे इठारे टॉप सेंटर बॉटम रही, बॉटम को क्लिक करो, तापरे ओके बटन को प्रेस करो। तुम्हें देखी परिबो एबे तुम्हारा टेक्स्ट गुड़ी को लाइन रो पाखो को आसी जाइछि, अर्थात सेल रो तळे को आसी जाइछि, जे भल तुम्हें वीडियो रे देखि पारु छौ। टेक्स्ट गुड़ी को तळे को आसी जाइछि एबले बाबरे। वर्तमान तुम्हें नेम कॉलम रे नाम गुड़ी को सिलेक्ट करो, जे भल वीडियो रे देखा जाइछि। यहाँ परे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को टेबल मेनू को लेकर जाओ एवं गोटे थर क्लिक करो, तापरे टेबल प्रॉपर्टीज को पुनर्बार क्लिक करो। वर्तमान एठारे अलाइनमेंट रे वर्टिकल अलाइनमेंट को सेंटर करो एवं ओके बटन को क्लिक करो। यह द्वारा तुम्हें देखि परिबो नाम गुड़ी को सेल रो मझी को आसी जाइछि, जे भली तुम्हें वीडियो रे देखि पारु छौ। से परि एथेरे अन्य किछि परिवर्तन करिबा पई तुम्हारा कर्सर को टेबल मेनू को नै गटे थरो क्लिक करो, तापरे टेबल प्रॉपर्टीज को क्लिक करो। वर्तमान एठारे कॉलम ऑप्शन को क्लिक करो, एठारे तुम्हें देखि परिबो कॉलम रो विड्थ रहिछि प्रत्येक कॉलम रो एवं एठारे उपरे रहिछि एडॉप्ट टेबल विड्थ एवं एडजस्ट कॉलम प्रोपोर्शनली। एठारे तुम्हें याको क्लिक करी किंबा हटाई एठारे तुम्हें चेंजेस करि परिबो। जदि एडॉप्ट टेबल विड्थ सिलेक्ट करू छ तबे तुम्हें देखि परिबो तुम्हें एठारे अप एरो की एवं डाउन एरो की को प्रेस करी प्रत्येक कॉलम रो विड्थ को बढ़ाई परिबो, जे भली वीडियो रे देखा जाइछि। एबे ओके बटन को प्रेस करो एवं तुम्हें देखि परिबो तुम्हें करितबा परिवर्तन तुम्हारा टेबल ले होई जाइछि। सही परी एबे पुनर्बार तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को टेबल मेनू को नै गटे थर क्लिक करो। या परे टेबल प्रॉपर्टीज को क्लिक करो, एबे ठारे एडजस्ट कॉलम प्रोपोर्शनली ऊपर क्लिक करो एवं तुम्हें देखि परिबो एठारे रिमेनिंग स्पेस रहिछि, जे तुम्हें यहाँ को सिलेक्ट करू छ एवं प्रथम कॉलम रो विड्थ रे परिवर्तन करू छ तेबे अन्य कॉलम गुड़ी करे मध्य या परिवर्तन हेउछि, जे भले तुम्हें वीडियो रे देखि परछ। एबे ओके बटन को प्रेस करो एवं तुम्हें देखि परिबो तुम्हें करितबा परिवर्तन तुम्हारा टेबल ले होई जाइछि। एबे पुनर्बार टेबल मेनू को जाओ एवं टेबल प्रॉपर्टीज को क्लिक करो। एबे इठारे एडॉप्ट टेबल विड्थ को सिलेक्ट करो एवं प्रत्येक कॉलम रो तुम्हें इठारे परिवर्तन करि परिबो विड्थ को, जे भली वीडियो रे देखा जाइछि। अप एरो की एवं डाउन एरो की को व्यवहार करी तुम्हें इठारे प्रत्येक कॉलम रो विड्थ को बढ़ाई परिबो किंबा कमाई परिबो, जे भली तुम्हें देखि पारु छ वीडियो रे। एभली भावे तुम्हें परिवर्तन करि परिबो। एबे ओके बटन पर क्लिक करो, तुम्हें देखि परिबो
तुम्हें करिथिबा परिवर्तन अनुजाई कॉलम रा विड्थ चेंज होई जाइछि। एबे पुनर्बार टेबल को सिलेक्ट करो, तापर टेबल मेनू को जाई गोटे थरो क्लिक करो। एबे टेबल प्रॉपर्टीज को क्लिक करो। एबे इठारे तुम्हें कॉलम गुडी करो विड्थ को बढ़ाओ जेंबोली वीडियो रे देखा जाइछि, किंबा कमाओ तुम्हार आवश्यक अनुजाई तुम्हें एथिरे परिवर्तन करी परिबो। एबे ओके बटन को प्रेस करो, तुम्हें देखी परिबो तुम टेबल रो विड्थ सेई बळे होई जाइछि प्रत्येक कॉलम रे। एबे गोटे थरो अंडू कमांड रो व्यवहार करो पूर्व अवस्था को आसीबा पई। या परे टेबल टी को सिलेक्ट करो, ता परे तुम्हारा कर्सर को टेबल मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक करो, तापर टेबल प्रॉपर्टीज को क्लिक करो। एबे परवर्ती ऑप्शन रहिछि बॉर्डर, एठार तुम्हें विभिन्न प्रकार बॉर्डर रहिछि एठार तुम्हें सिलेक्ट करि परिबो। चारि पाखर दवा पई चाहुतिले याकु फोर साइड को क्लिक करो एवं बॉर्डर रा स्टाइल एठार सिलेक्ट करि परिबो तुम्हारा इच्छा अनुसार। जे भली वीडियो रे देखा जाइछि एठार विभिन्न प्रकार स्टाइल रहिछि, तुम्हें इठार गोटे स्टाइल को सिलेक्ट करी परिबो एवं तहार कलर को इठारे परिवर्तन करी परिबो। से बळी इठारे तुम्हें शैडो दे परिबो, तार पोजीशन को इठारे दे परिबो एवं डिस्टेंस केते दूर रे पाए पई चाहुचो शैडो ता इठारे सिलेक्ट करी परिबो एवं शैडो रो कलर इठारे तुम्हें परिवर्तन करी परिबो। से बळे स्पेसिंग टू कंटेंट रहिछि इठारे तुम्हें स्पेस देवा पाई बामरे किंबा डाहाणरे किंबा ऊपरे किंबा तले इठारे लेफ्ट राइट एवं टॉप बॉटम रहिछि याकु तुम्हें परिवर्तन करि परिबो। एबे ओके बटन को गोटे थरो प्रेस करो एवं तुम्हें देखि परिबो तुम्हें परिवर्तन करिथिबा बॉर्डर अनुजाई तुम टेबल रो बॉर्डर होई जाइछि जेउं भली तुम्हें वीडियो रे देखि परुछो। एबे टेबल को पुनर्बार सिलेक्ट करो, तापरे तुम्हारा कर्सर को टेबल मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक करो, तापरे टेबल प्रॉपर्टीज को क्लिक करो। एबे परवर्ती ऑप्शन रही बैकग्राउंड, एठार तुम्हें बैकग्राउंड कलर चेंज करी परिबो एवं क्यों थे बैकग्राउंड कलर चेंज करने चाहूँ इटार सेल किंबा रो किंबा संपूर्ण टेबल ताकू सिलेक्ट करी परिबो एवं कलर रु तुम आवश्यक अनुसार किंबा इच्छा अनुसार गोटे कलर को सिलेक्ट करो। तापरे ओके बटन को प्रेस करो। एबे देखि परिबो केवल गोटे कलम रे परिवर्तन हेउची, तेनो एहा को सठिक भाबरे बुझिबा पई तुम्हें गोटे नुआ टेबल इनसर्ट करो। एथि पई तुम्हारा कर्सर को इठरानी रखो जेउठे टेबल इनसर्ट करिया पई चाहुचो, तापर टेबल ऑप्शन को जाओ, इनसर्ट ऑप्शन को जाई टेबल ऑप्शन को क्लिक करो। एठारे चारोटी कॉलम एवं चारोटी रो विशिष्ट गोटे टेबल इनसर्ट करो जेउ भली वीडियो रे देखा जाइछि। या परे तुम्हारा कर्सर को प्रथम रो रे रख, तापर टेबल ऑप्शन को जाओ एवं टेबल प्रॉपर्टीज को क्लिक करो। एबे इठारे गोटे कलर को सिलेक्ट करो एवं इठारे ओके बटन को प्रेस करो। तुम्हें देखि परिबो तुम्हारा कर्सर जेउ रो रे थिला सेही रो रे बैकग्राउंड कलर आसी जाइछि। एबे परवर्ती रो को सिलेक्ट करो एवं टेबल ऑप्शन को जाओ, तापरे टेबल प्रॉपर्टीज को क्लिक करो, तापरे एठारे सेल को सिलेक्ट करो एवं गोटे कलर एठार बाछो, तापरे
एठारे ओके बटन को प्रेस करो तुम्हें देखी परिबो तुम्हारा कर्सर जे सेल ले थिला सेही सेल ले कलर आसी जाई छी से भले पुनर्बार तुम्हारा कर्सर को टेबल मेनू को नहीं क्लिक करो तापरे टेबल प्रॉपर्टीज को क्लिक करो एबे इठारे संपूर्ण टेबल पई टेबल को सिलेक्ट करो एवं गोटे कलर इठारे सिलेक्ट करो तापरे ओके बटन को प्रेस करो तुम्हें देखी परिबो टेबल ले तुम्हें देथिबा कलर टी आसी जाई छी एही बोली भाबरे तुम्हें टेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शन को व्यवहार करी तुम्हारा टेबल ले विभिन्न प्रकार परिवर्तन करी परिबो परवर्ती ऑप्शन स्पेलिंग चेक रो अटे स्पेलिंग चेक ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें तुम्हारा पेज रे लिखितबा टेक्स्ट रो स्पेलिंग अर्थात बनान को चेक करी परिबो एवं तुम्हें ग्रामर को मध्य चेक करी परिबो एवं स्पेलिंग को मध्य ठीक करी परिबो स्पेलिंग चेक ऑप्शन रो व्यवहार आमे किपरी करबा जानिबा पई एही वीडियो को देखो स्पेलिंग को चेक करबा पई प्रथमे एयर स्पेलिंग चेक करबा पई प्रथम नामटी को सिलेक्ट करो या परे तुम्हारा कर्सर किबा पॉइंटर को टूल्स मेनू को नै गटे थरो क्लिक करो ता परे स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को क्लिक करो तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एवं एठर तुम्हें देखी परिबो नॉट इन डिक्शनरी रे अभिषेक नामटी लाल कलर रे आसी छी एवं ता पई एठर की सजेशन आसी छी जदी एठारे तुम्हें कोनोसी परिवर्तन करिया पई चाहू ना हो तेबे एठारे तुम्हें इग्नोर वन सुपर गोटे थरो क्लिक करो या परे तुम आगर गोटे बॉक्स आसीबो सेते ओके बटन को प्रेस करो स्पेल चेक कंप्लीट हला बोली से परी परवर्ती शब्द को सिलेक्ट करो टूल्स मेनू को जाओ स्पेलिंग एंड ग्रामर को सिलेक्ट करो एबे इठारे तुम्हें देखी परिबो इठारे विभिन्न प्रकार लैंग्वेज रही छी वर्तमान आमे इठारे इंग्लिश यूएसए को सिलेक्ट करिछु एबे इठारे मध्य किछि सजेशन आसी छी एवं जदि एथिरे कोनोसी परिवर्तन करि पाए पई चाहिबो तेबे चेंज उपर क्लिक करिबो अन्यथा इग्नोर वन उपर क्लिक करिबो तापरे ओके बटन को प्रेस करो एबे तुम्हें देखि परिबो स्पेल चेक करिबा शब्द गुड़िक तले गार गुड़िक हटी एछि एही परि भाबरे तुम्हें लैंग्वेज एंड ग्रामर ऑप्शन रो व्यवहार करी स्पेल चेक करि परिबो परवर्ती ऑप्शन लैंग्वेज रो अटे लैंग्वेज ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें अलगा अलगा देश रो भाषा को सिलेक्ट करि परिबो लैंग्वेज ऑप्शन रो व्यवहार विषय रे जानिबा पई एही वीडियो को देखो वर्तमान लैंग्वेज ऑप्शन रो व्यवहार करबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर को टूल्स मेनू को नै गटे थरो क्लिक करो ता परे एठारे लैंग्वेज ऑप्शन पाख को तुम्हारा कर्सर नियो तुम्हें देखि परबो एठारे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही छि प्रथम ऑप्शन फॉर सिलेक्शन पई एठारे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही छि इठारे मोर ऊपर क्लिक करो तुम आगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठारे तुम्हें देखि परिबो विभिन्न प्रकार लैंग्वेज इठारे रही छि एवं तुम्हारा आवश्यक अनुसार तुम इठारे लैंग्वेज सिलेक्ट करि परिबो तापरे ओके बटन को प्रेस करि परिबो से परि पुनर्बार टूल्स मेनू को जाओ लैंग्वेज ऑप्शन को जाओ एवं इठारे परवर्ती ऑप्शन रही छि फॉर पैराग्राफ एठारे इंग्लिश यूएसए किंबा मोर ऊपर सिलेक्ट करि परिबो किंबा इठारे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही छि एठारु विभिन्न प्रकार ऑप्शन को तुम्हें सिलेक्ट करि परिबो एबे तुम्हें इठारे एही नामटी को सिलेक्ट करो सौरभ लेखा देतवे नाम को या परे तुम्हारा कर्सर को टूल्स मेनू को नै क्लिक करो तापर लैंग्वेज ऑप्शन को जाओ एबे एठारे फॉर ऑल टेक्स्ट ऑप्शन पाख को तुम्हारा कर्सर नियो एवं एठारे तुम्हें देखि परिबो डू नॉट चेक स्पेलिंग उपरे गोटे थरो क्लिक करो या द्वारा तुम्हें देखि परिबो एई नाम गुड़ के तळे थिबा लाल रंगर गार हटी जाइछि कारण तुम्हें स्पेलिंग चेक करबा पई मना कलो एबे पुनर्बार टूल्स ऑप्शन को जाओ लैंग्वेज ऑप्शन को जाओ एबे इठारे फॉर ऑल टेक्स्ट रे
इंग्लिश यूएसए को सिलेक्ट कर। एबे तुम्हें देखि पारिबो नाम गुड़िक तले पुनर्बार लाल रंगर गारो आसी एठारे गोटे नाम को सिलेक्ट कर जाकि प्रवीण अटे। तापर टूल्स मेनू को जाओ, तापर लैंग्वेज ऑप्शन को जाओ, एठारे थीसिस थीसारस यहाँ को क्लिक कर। एठारे तुम आगर आ गोटे बॉक्स ओपन हेबो, एठारे तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा वर्ड एठार आसुची एवं एठार लैंग्वेज को तुम्हें सिलेक्ट करि पारिबो किंबा इंग्लिश यूके को सिलेक्ट करि पारिबो एवं एही नामटी को तुम्हें अन्य कौनसी नाम द्वारा रिप्लेस करि पारिबो एवं ताको एठे टाइप कर जे मोर एठार पवन टाइप करा जायछि। एबे रिप्लेस ऊपर क्लिक कर, तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा नामटी आ गोटे नाम द्वारा रिप्लेस होइ जायछि। सही परी पुनर्बार टूल्स मेनू को जाओ, तापर लैंग्वेज ऑप्शन को जाओ एवं जदि तुम पाखरे इंटरनेट कनेक्शन अच्छी तेबे इठारे तुम्हें मोर डिक्शनरीज ऑनलाइन उपरे क्लिक करी तुम्हें यहाँ को व्यवहार करि परिबो। एही परी भावरे तुम्हें लैंग्वेज ऑप्शन को व्यवहार करी तुम्हें तुम्हारा टेबल ले परिवर्तन करि परिबो। परवर्ती ऑप्शन लाइन नंबरिंग रो अटे। कौन तुम्हें कही पारिबो लाइन नंबरिंग ऑप्शन द्वारा कौन होई थाए? लाइन नंबरिंग ऑप्शन द्वारा जेते बड़े तुम्हें किसी पाराग्राफ किंबा लाइन को नहीं थाओ सेते बड़े तुम्हें ताहकु निजो निजोर नंबर अनुसारे देखी पारिबो। एही वीडियो को देखो एवं एही ऑप्शन विषय अधिक सीख। वर्तमान आमे लाइन नंबरिंग ऑप्शन विषय शिखिबा, एथिपाई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को टूल्स मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर, तापरे लाइन नंबरिंग ऑप्शन उपरे क्लिक कर। तुम आगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो, एबे इठारे सो नंबरिंग उपरे क्लिक कर, या द्वारा ऑप्शन गुड़िक हाइलाइट होई जिवो। एबे कैरेक्टर स्टाइल ले इठारे तुम्हें विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही थी तुम्हें देखी परिबो एवं एठारे तुम्हें लाइन नंबरिंग ऑप्शन उपरे क्लिक कर एवं यहाँ सिलेक्ट कर। परवर्ती ऑप्शन रही फॉर्मेट रो, एठारे ड्रॉप डाउन आइकन को सिलेक्ट कर। तुम्हें देखी परिबो विभिन्न प्रकार फॉर्मेट रही एठारे लाइन नंबरिंग पई, एठारे 1, 2, 3 को सिलेक्ट कर। तापर पोजिशन रही तुम्हें लाइन नंबरिंग केउठारे दबा पई चाहौछ, लेफ्ट राइट इनर आउटर, एबेठारे लेफ्ट को सिलेक्ट कर। एवं स्पेसिंग रही तुम्हें लाइन नंबरिंग एवं टेक्स्ट मध्यरे केते स्पेस दबा पई चाहौछ ताइटर सिलेक्ट करि परिबो। एवं परवर्ती ऑप्शन रही इंटरवल रो, तुम्हें केतोटे लाइन परे तुम्हें नंबरिंग दबा पई चाहौछ एठारे गोटे को सिलेक्ट कर। एबे एठे तुम्हें देखि परिबो ब्लैंक लाइन्स सिलेक्ट होईछि। एबे ओके बटन को क्लिक कर, तुम्हें देखि परिबो एठारे नंबरिंग आसी जाइछि जाके ब्लैंक लाइन पाखरे। एवं जे तुम्हें एंटर बटन प्रेस करछ तुम्हें देखि परिबो आउ गोटे नंबरिंग आसी जाउछि एवं तुम्हें एठारे किछि टेक्स्ट मध्य टाइप करि परिबो जे भली वीडियो रे देखा जाइछि एबोली बारे तुम्हें एठारे टेक्स्ट मध्य टाइप करि परिबो। एभली भाव एवं जो एंटर बटन प्रेस करछ तुम्हें देखि पारिबो पुनर्बार आउ गोटे नंबर आसी जाउछि। से भले आउ थरे एंटर बटन प्रेस करले तुम्हें देखि पारिबो आउ गोटे लाइन आसी जाइछि। एबे पुनर्बार टूल्स मेनू को जाओ, तापरे लाइन नंबरिंग ऑप्शन उपर क्लिक कर। एबे इठारे ब्लैंक लाइन्स को इठारे हटाई दियो, इठारे ऑप्शन टी को अनसिलेक्ट कर, तापरे ओके बटन को प्रेस करो। तुम्हें देखि पारिबो ब्लैंक लाइन पाखर थिबा नंबर हटि जाइछि जे भली वीडियो तुम्हें देखि पारुछो। एवं जेहेतु एही लाइन रे किछि टेक्स्ट लेखा जाइछि तेणु एठारे नंबरिंग आसीछि। से परे जे तुम्हें देखि पारिबो एठारे तुम्हें किछि टाइप करुछो तेबे
ऑटोमेटिक गोटे नंबर आसी जाउची कारण ब्लैंक लाइन पई कोनोसी नंबरिंग नाही एवं जे तुमे किछ टाइप करछो तबे नंबरिंग आसी जिवो से भली तुमे एठार एंटर बटन को प्रेस करो तुमे देखि परबो एठार कोनोसी नंबरिंग आसु नाही एवं जे तुमे टाइप करबा आरंभ करछो तबे नंबर आसी जाउची जे भली तुमे वीडियो रे देखि परछो एबे तुमे तुम्हारा कर्सर किबा पॉइंटर को पुनर्बार टूल्स मेनू को लेके जाओ एवं गोटे थरो क्लिक करो तापरे लाइन नंबरिंग अप ऊपर क्लिक करो एबे इठारे पुनर्बार ब्लैंक लाइंस को सिलेक्ट करो एवं ओके बटन को क्लिक करो तुमे देखि परबो एबे ब्लैंक लाइन पाखरे नंबरिंग मध्ये आसी जाइछि एवं जेउथिर तुमे टेक्स्ट लेखिछो सेथिर मध्ये नंबर अछि एही परि भाबरे तुमे लाइन नंबरिंग ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो आजरो क्लास एठारे शेष हला तुमे समस्ते तुमरा राइटर रो फाइल को बंद करो एवं तुमरा कंप्यूटर को सटीक भाबरे बंद करो आजरो क्लास रे तुमे टेबल एवं टूल मेनू विषय रे सिखिलो जेमिति कि गोटिए टेबल को इंसर्ट करिबा रो को इंसर्ट करिबा एवं कॉलम को इंसर्ट करिबा एवं ताहा को डिलीट करिबा मध्ये सिखिलो एवं मर्ज सेल कोण एवं एहाकू केमिति व्यवहार करा जाय आमे स्प्लिट सेल रो व्यवहार काहे की करिथाउ एवं तुमे एहा विषय रे मध्ये सिखिलो जेमिति कि ऑटो फिट कन्वर्ट फार्मूला प्रॉपर्टीज डिजाइनिंग टेबल्स एवं लाइन नंबरिंग विषय रे मध्ये सिखिलो कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती।